Guys, welcome back to my channel Priyanka Banerjee and this is Priyanka. Today's video it's a Bengali fish curry recipe. It's a Rohu fish. So before starting the recipe, do subscribe my channel and never forget to press the bell icon there. If you like my video, then give me a thumbs up, comment, share. So let's get started. तो रूही करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 8 पीसेस रूही मछली। एक्चुअली मैं बंगाली हूँ तो हम माछिर कालिया बोलते हैं इसको। तो इसको मैंने अच्छे से टर्मरिक और सॉल्ट देके मैंने अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। यहाँ पे 100 ग्राम कार्ड लिया है, इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है ताकि इसमें कोई लम्प ना रहे। फिर मैंने यहाँ पे लिया है टोमेटो, यहाँ पे मैंने एक टोमेटो को अच्छे से चॉप कर लिया है। फिर मैंने लिया है अदरक, फिर मैंने लिया है यहाँ पे ऑनियन चॉप्ड और यहाँ पे मैंने 4 ग्रीन चिलीज लिया है। यहाँ पे हम लगभग इतना सा ऑनियन हम अच्छे से फ्राई करेंगे और बाकी जो है हम अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। फिर मैंने यहाँ पे लिया है सूखे मसाले। सूखे मसाले पे मैंने लिया है बे लीव्स, क्यूमिन सीड्स, रेड चिली एंड यहाँ पे मैंने इलायची रखा है और यहाँ पे दालचीनी। फिर मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, ½ टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर एंड यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लिया है गरम मसाला पाउडर। ये गरम मसाला होममेड है। तो अभी हम पहले मछलियों को फ्राई करेंगे। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ क्योंकि मछली का जो रेसिपी होता है वो विदाउट मस्टर्ड ऑयल अच्छा नहीं लगता। सो लगभग 2 टेबलस्पून हमें मस्टर्ड ऑयल देना है। ये थोड़ा गर्म होने के बाद ही आप मछलियों को छोड़ें, वरना ये क्या होता है आप बहुत ज़्यादा स्प्रेड करता है। इसीलिए ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें फिश को छोड़ेंगे। तो मैं अभी इस फिश को अच्छे से फ्राई करूँगी। तो फ्राई करने के बाद हम आपको दिखाते हैं। मैं सारे फिश एक साथ ही फ्राई कर लेती। मैंने यहाँ पे सारे फिशेस को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और मैं जो लास्ट 2 था उसको भी मैं उठा रही हूँ। आपको फिश थोड़ा अच्छे से रेड करके फ्राई करना होता है वरना इसका स्मेल रहता है। तो अभी हम आगे के प्रोसीड्योर को देखें। पहले हमें सूखे मसाले जो थे बे लीव्स, रेड चिलीज, क्यूमिन सीड्स, इलायची जो भी है मैंने बोल दिया था पहले, वो सब अच्छे से हम डाल देंगे। उसके बाद मैंने जो ऑनियन रखा था, जो देखिए थोड़ा सा ही ऑनियन हम फ्राई करेंगे, लगभग इतना, और बाकी का मैंने पेस्ट कर लिया है ऑनियन। और उसके साथ जो टोमेटो था, टोमेटो मैं पेस्ट नहीं करती हूँ, जो इसका एरोमा आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। पेस्ट करके रख दिया था सारे मसाले, तो अभी हम उसको ऐड करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे कार्ड ऐड कर रही हूँ। ये होममेड कार्ड है, इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया था, मैंने बोला था जैसे। कार्ड ऐड कर रही हूँ कि जो मसाले थे, सॉल्ट वॉल्ट सब कुछ। सॉल्ट आपको आप लोग अपने टेस्ट से लेना है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम अच्छे से मसाले जो है इसको तब तक कसाएंगे जब तक इसमें से जो ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल है, वो निकल ना जाए। तो दही में बहुत ज़्यादा मतलब वाटर प्रॉपर्टीज़ होता है, आप लोग जानते ही हो। तो इसीलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए अभी कवर कर लेंगे। आई विश ज़्यादा वाटर अभी नहीं लगेगा। इसको थोड़ा सा कसा लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी मैं इसको कवर कर। मसाला मेरा अच्छे से मिक्स हो गया है और ये फ्राई भी हो चुकी है, देख सकते हो आप, ये कढ़ाई से उठ रहा है। तो अभी हम इसमें लगभग 1/4 कप वाटर ऐड करेंगे। ज़्यादा वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मसाला ये अच्छे से बॉईल करना है हमें, क्योंकि मैंने फ्राई कर लिया है, तो थोड़ा सा अच्छे से बॉईल हो जाए, उसके बाद ही हम फिश ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरा जो ये जो मैंने पानी दिया था मैंने, वो अच्छे से बॉईल हो गया है और अभी हम इसमें मछली ऐड करेंगे। वैसे बंगालीज़ का बहुत खास होता है ये वाला डिश। बंगाली लोग तो वैसे भी फ़िश के बहुत शौकीन हैं। हाँ, हालांकि मैं फ़िश नहीं खाती हूँ, बस ये वीडियो बनाने के लिए मैं बना रही हूँ। बट हाँ, मुझे सारे टाइप के फिश अच्छे लगते हैं और मुझे बनाने भी अच्छा लगता है। सो आई विश ये आप लोगों को अच्छा लगे। इसको आपको बस हिलाना है, क्योंकि इतना सारा है ना, तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो ये फ़िश अच्छे से मिक्स हो जाएगा और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ये मिक्स हो जाए तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा। तो देखिए हमारा जो फ़िश करी है वो एकदम अच्छे से रेडी है। मैंने अपना गैस भी टर्न ऑफ कर दिया है। तो अभी मैं इसको सर्व करके आप लोगों को दिखाई। मैंने यहाँ पे हमारा जो फिश करी है वो मैंने अच्छे से सर्व करके रख दिया है। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन गिव मी अ थम्स अप एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो बाय बाय एंड टेक केयर।